शिव जी ने देखा वो सुख पक्षी जो है वो बैठे हुए, देखा ना सुख पक्षी, बोले यही भर। शिव जी ने त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़ी है और सुख पक्षी उड़ते उड़ते चले गए बद्रिकाश्रम, जहां पर स्वयं वैष्णव जी अपने पत्नी। बोले क्या बात हुई महादेव जी, आजकल आप पक्षी को शिकार करना शुरू कर दिया, शिकारी कैसे बन गए? शिव जी बोले नहीं, एक अनधिकारी व्यक्ति अमर कथा को सुन लिया। अमर कथा क्या है, क्या बोला? बोलो श्रीमद् भागवतम महापुराणम की। अमर कथा सुन लो। बोले अमर कथा सुनने से फल क्या है? वैष्णव ने पूछा। देखो जो अमर कथा सुन लेते वो भी अमर बन जाता है। बोले वो सुख पक्षी अमर कथा सुन लिया ना, हाँ अमर, जिसकी मृत्यु नहीं है तो उसको मारोगे कैसे? शिव जी हंसने लज्जित हुए, छोड़ गए। और वही सुखदेव गोस्वामी सुख पक्षी माँ बिटिका के गर्भ में 13 साल तक रहे, किसी किसी पुराण में कहा जाता है 16 साल तक रहे। कितने साल? 16 साल तक रहे, मातृ गर्भ में 16 साल तक रहे। हैं? एक दिन वैष्णव जी ने कहा, कौन हो तुम मातृ गर्भ में, बाहर आओ। कहा मैं सुख हूं, बाहर आ जाओ। बोले बाहर आ जाऊं तो माया मुझे पकड़ लेगी। वैष्णव जी ने कहा मैं व्यासो नारायण स्वयं, मैं स्वयं नारायण हूं, मैं तुमके वचन देता हूं माया तुम्हें परसे नहीं करेगी। सुख ने कही नहीं, आपके वचन पर मेरा विश्वास नहीं है, यदि साक्षात भगवान कृष्ण यहां पर प्रकट हो जाए और मुझे वचन दे तो मैं मातृ गर्भ से बाहर आ जाऊं। उस समय वैष्णव जी ने ध्यानस्थ होकर के स्वयं भगवान को जो है स्तुति करने लगे और स्वयं भगवान वहां पर प्रकट हुए। उस समय स्वयं भगवान कहने लगे तुम मातृ गर्भ से बाहर आ जाओ, मैं तुमको वचन देता हूं। अति अल्प समय, देखो एक राई है ना, यदि गाय के सिंह के ऊपर यदि ऊपर से छोड़ दिया जाए, पाद मातृ गर्भ से 16 साल बालक के रूप में प्रकट हुए और दौड़ करके भागने लगे, जिससे श्रीमद् भागवत में दैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेदि तन्मे तरो विनेदु तन सब भूत हृदय मुनि मानतु स्मि। सुत गोस्वामी पाद कहने लगे हे सोनकादि ऋषिगण सुनो मेरे गुरुदेव की महिमा, मातृ गर्भ से जन्म लेने के साथ ही साथ जंगल की ओर दौड़ने लगे, 16 साल के बालक जैसे हिष्ट पुष्ट शरीर, इतने सुंदर अजानु लंबित बाहु कंजल लोचनम है, उनकी हाथ जो है घुटने के नीचे तक लंबी हाथ, अजानु लंबित बाहु कंजल लोचनम, इतने सुंदर कमल के भांति विकसित चक्षु जो है कांख कंजल लोचन है, जटाजुधार अहु मनुष्य के छोड़ दिए, पशु के छोड़ दिए, वृक्ष आदि भी पेड़ पौधे भी प्रेम में द्रवीभूत हो गया, सबके आंखों से आंसू आने लगे, जंगल के ऊपर चले गए। वैष्णव जी ने शिकारी को बुलाया, ये देखो इस जंगल में एक तोते है, सुख है तोते, उसे पकड़ करके लाओ। उसके पकड़ने के लिए एक उपाय है, 2 श्लोक में सिखाता हूं है, कृष्ण के सुंदर रूप वर्णन करो है, 2 श्लोक सुनाया है, देखो क्या बोले। ब्रहा पीड़न नटवर बहु कर्ण कर्णिकारं विव्रत बासु कनक विसंग भजंत मालं रंद्रान वेनो रद्रसुदय पुरेन गोपवृंदई बिंदारण सपद रमणं प्राविशत गिति कीर्ति। श्लोक दिखा नहीं, श्लोक नटकानी
बरहा पीड़न नरवर बोपू। अहो कृष्ण के इतने सुंदर रूप वर्णन हो रहा है। मयूर पंखा जो है शिश पर लगे हुए इतने सुंदर। बरहा पीड़न त्रिभंग ललित त्रिबैंड फोल्ड त्रिभंग ललित संजय और बरहा पीड़न नरवर कर्ण कर्णिका आरंभ। कानों में जो है एक कर्णी का पुष्प है, लाल लाल आवाज युक्त पुष्प। कभी इस कान में लगाते कभी उस कान में लगाते। विप्रतवास कनक विषय वैजंत मालम इतने सुंदर वस्त्र धारण के हैं येलो गारमेंट्स। इतने सुंदर वस्त्र धारण के हैं विप्रतवास कनक विषय वैजंत मालम गोपियों के द्वारा गुते हुए वैजंती माला जो है धारण के लंबी माला इतने सुंदर पांचों पुष्पों के द्वारा वह माला गति है। रंगरांग बेनो रद्र पुरेण गोपबिंद अहो हाथ में बंसी लेकर के इतने सुंदर तांग छोड़ देते हैं, सबके हृदय को आकर्षित कर लेते हैं, सबके चित्त मन अपने आप आकर्षित हो जाते हैं। अधर इतने जे अधर उष्ठ इतने मधुर और तिरछी नजरों के द्वारा सभी प्राणी समुदाय के गोपियों की जो आकर्षित कर लेते हैं इतने सुंदर जी। और सखाओं के गला बैठन देकर के हंसते हुए खेलते हुए गायों के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। ये बरहा पीड़न नटवर बोपु कर्ण कर्णिकार विव्रत वासो कनक विषम वैजंत मानम रणरणमेनो रसुदे पुरेण गोपवृंदै विन्दारणं सपदरमणं प्राविशद गिति कीर्तिः। कृष्ण के इतने सुंदर रूप वर्णन। अच्छे जो व्यक्ति ऐसे सुंदर हो उनके गुण क्या है, हैं? अहो बकियं स्तन कालकूटं अहो बकियं स्तन कालकूटं जिगं सपसादि लेवरेदातृजीतं ततोऽन्नं कंबादयालुं शरणं ब्रजेम कंबादयालुं शरणं ब्रजेम कंबादयालुं शरणं ब्रजेम कंबादयालुं शरणं ब्रजेम। अहो बकियं स्तनकालकूटं जिघं सायपायत अपसाद्धि लेवे गतिं दातृचितं ततोऽन्नं कंबादयालुं शरणं ब्रजेम कंबादयालुं शरणं ब्रजेम। आदि की व्यवस्था करते हैं। 8 बज गए 5 मिनट बाकी आरती का। हरि बोल। अहो बकियं स्तनकालकूटं देखो बकासुर के बहिन पुतना ब्रज में आई थी 6 दिन के बालक गोपाल को मारने के लिए। पुतना कुरूपा थी। कैसे थी? कुरूपा। रूप तो अतीव कुरूप था, देखने में अतीव कुरूप ही था। और भी है क्या? उनके शरीर से जो है दुर्गंध निकाल दी थी। क्यों? पुतना बालघातिनी रुधिरासना, छोटे छोटे बालक के जो है खून पी लेती थी। पुतना गाल भाव पुतना बालघातिनी, छोटे छोटे बालक की मार देते और उनके खून को पी लेते। इसलिए उनके शरीर से इतने दुर्गंध निकालता था। इसलिए पुतना बालघातिनी रुधिरासना
वो देखो वो पुतना कृष्ण को मारने के लिए सुधी केवल क्या बनाया, मातृ वेश बनाया है। पुतना वध की लीला हम वर्णन करेंगे दो एक दिन के बाद, दशम स्कंद में कृष्ण के जन्म ले चौथे दिन पांचवे दिन वर्णन करेंगे। इसलिए पुतना बाल धारिणी रुधिरासना जिनके शरीर से ऐसे दुर्गंध निकालता था है, केवल मातृ वेश बनाया है, आर्टिफिशियल वेश बना ली है। देखो भगवान ने क्या की, ऐसे पुतना की भी वध करके और उनको आत्मा को कहां भेज दिया, गोलोक में मां यशोदा की परिचारिका के रूप में, सेविका के रूप में। बड़े बड़े संत महात्मा भजन साधन करके भी अपने अनर्थ की भी दूर कर नहीं पाते हैं। नारद ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े देवता लोग भी माया के द्वारा मोहित हो जाते हैं। पुतना ने ऐसे कौन सा कर्म की, भगवान के मारने के लिए आई थी, वो भी भगवान केवल 6 दिन के बालक था, कितने दिन की, 6 दिन की, 6 days बेबी है। और भगवान उसके दूध पान करना नहीं चाहती चाहते थे, पुतना ने जबरदस्ती जो स्तन पान कराया और जिसमें कालकुट सर्प के बीच लगा हुआ था और भगवान भी उनके स्तन पर मुख लगाया, होठों में लगाया और उनको पुतना शरीर जनी असुर शरीर से मुक्त करा करके सुंदर चित शरीर के द्वारा गोलोक में, वृंदावन में नहीं भेजी, कहां भेजा, गोलोक में। मां यशोदा की परिचारिका माने सेविका के रूप में है, मेड सर्वेंट के रूप में भेज ये कहते अहो बकियं स्तनकाल कूटं जिघांस अपायत अपसाधि लेवे गतिं धातु चितां ततो अन्नं कंबा दयालुं शरणं व्रजम। ऐसे भगवान की आश्रय कौन लेना नहीं चाहते है, कौन भगवान के भजन करना नहीं चाहते। संसार के लोग अनेक देव देवी के भजन करते हैं, ठीक है, सेवा करें, माना नहीं है, किंतु देखो स्वयं हरि को भजन करें सब। हरि देव सदारद सर्वदेवे सरेश्वर इतरे ब्रह्मरुद्रद्दा नावज्ञ कदाचन। कोई देव देवी के निंदा करना नहीं चाहिए, किसी को निंदा मत करो, किंतु देखो श्री हरि ही ये श्रेष्ठ है, उनके ऊपर रखो, सबके एक बराबर पर स्थान मत रखो, थोड़ा समझने के लिए प्रयास करें हैं। एक राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री और एक झाड़ूदार बराबर हो जाए तो काम नहीं होता है, एक आसन पर नहीं बैठना, अपने अपने मर्यादा रहता है हैं, मर्यादा रहता है सब है? सब बराबर नहीं है, हमारे हाथ की अंगुली क्या है, सब बराबर है कि एक उंगली छोटा भी है मोटा है छोटा है, देखो है, एक बराबर होते हम लिख नहीं पाते। भगवान भी ऐसी भी सृष्टि किया, सब एक बराबर कैसे हो जाएंगे, इसको काट दो उंगली के जाए काट दो है, बराबर के काटू लिख पाएंगे, आप लोग तो विद्वान है लिखे पड़े हैं, इसलिए कहते हैं सब बराबर नहीं है, सब ब्रह्म नहीं है, जीव ब्रह्म नहीं है, जीव भगवान की सेवक है। इसलिए यहां पर भी कह रहे हैं अहो, इसलिए आगे की कथा में सर्वांत यहां पर करते हैं। सुखदेव से अपने जीवन कहानी सुनाया, देखो उस शिकारी के मुख से यही दो श्लोक सुन लिया, भगवान कितने सुंदर रूप बरहा पीड़ नर प्रभु और दूसरी अहो बकियं स्तनकाल कुटं, भगवान के ऐसे सुंदर गुण है। इस संसार में कोई सुंदर हो सकते उसके गुण नहीं है, इस संसार में किसी के गुण है
न हो सकता उसके रूप नहीं है, किंतु भगवान में एक ही साथ में जैसे सुंदर रूप उसी प्रकार ऐसे सुंदर गुण है। देखो वही जो है सुख पक्षी यानी सुखदेव गोस्वामी ये दोनों श्लोक के सुन करके बाहर आ गया। बोले वो श्लोक किसने रचना की ये दोनों श्लोक? बोले तुम्हारे पिताजी व्यासदेव जी उस समय सुखदेव गोस्वामी पाद व्यासदेव के चरण में आकर के और उनके प्रणाम करके बैठे और स्वयं व्यासदेव जी ने उनके सारे श्लोक को सुनाया और सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, महाराज परीक्षित, मैं जैसे जैसे अपने पिता व्यासदेव के मुखारविंद से श्रवण किया उसी कथा को आप निकट निकट मैं वर्णन करता हूं। इसलिए इसी के कहते हैं सुख परीक्षित संवाद संग सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज की कथा श्रवण कराने लगे। और क्यों श्रवण कराने लगे ना? परीक्षित महाराज है ऋषि पुत्र के द्वारा, समिक ऋषि के पुत्र सिंह ऋषि के द्वारा अभिशप्त हो गया, जिस 7 दिन के बाद तक्षक आकर के उनकी डसेगा कटेगा उसके शरीर उसके छूटेगा। इसलिए परीक्षित महाराज जी सब संत महात्मा के बुलाया, कर्मी साधु ज्ञानी साधु जोगी साधु सब संत महात्मा आकर के अपने अपने सिद्धांत तो देने लगे। कर्मी कहते हैं कर्म करो दान पुण्य आदि करो, जोगी साधु कहते योग तपस्या आदि करो, किंतु सुखदेव गोस्वामी पाद आकर के बोले महाराज भगवत कथामृत श्रवण है, इस संसार में जो जितने भी कथाएं हैं श्रेष्ठ कथा है भगवत कथा। इसलिए तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि लिखम कर्म साह आगे की कथा हम काल कीर्तन करेंगे। आज यह तब हम भागवत कथा को जो है विश्राम देते हैं है? अभी आरती हो जाए है? और इसी सत्र में थोड़ा और एक कीर्तन हो जाए आरती है? कोई एक चेन गिर गई कल किसी की, तो अगर किसी को मिले तो यहाँ पे यादव प्रभु जी उनको दे देंगे, यहाँ पे स्टेज पे दे देंगे। हरी बोल। कल किसी की गोल्ड की चेन गिर गई है, अगर किसी को मिले तो यहाँ पे यादव प्रभु जी है, यहाँ पे स्टेज में आकर के दे देंगे। हरी हरी बोल। हमारे यादव प्रभु जी है, पांडे जी भी है, मिश्रा जी है, है? जिसको मिले है वह यहाँ पर जमा कर दे है। भागवत कथामृतम की जय। जय श्री राम। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय पूज्यपाद भक्ति वेदांत भट्ट गोस्वामी महाराज की। जय श्री अभिदेव की। चिंताय गुरु महानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल। श्री राधे, आप सबसे एक प्रार्थना है। हरि बोल।